हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट टॉक शो टीवी के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एलिमिनेटर मुकाबले की, जहां पर एक तरफ होने वाली है लखनऊ की टीम, वहीं सामने होगी आरसीबी यानी कि बेंगलोर की टीम। दोनों के दोस्तों करेंगे हम कंपैरिजन, करेंगे बात हेड टू हेड की, कितना एक्सपीरियंस कौन से प्लेयर को है, कौन सा प्लेयर कितने प्रेशर को झेला है प्लेऑफ के, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा, और अंत में अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पिच की। दोस्तों ये मुकाबला ईडन गार्डन के स्टेडियम में होने जा रहा है, जहां पर दोस्तों आपको स्पिनर और फास्ट बॉलर दोनों को मदद मिलते हुए देखेगी इस पिच में। वहीं दोस्तों बात करें इस ग्राउंड की फाइटिंग टोटल की, तो दोस्तों यहां पर 150 रन से प्लस का जितना भी टोटल बनेगा उस पर फाइट हो सकती है, मतलब कि 150 बनता है, 160 बनता है तो उस पर टीमें लड़ सकती हैं। लेकिन अगर 180 बनता है तो यहाँ पर विनिंग के चांसेस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फर्स्ट बैटिंग वाली टीम को कम चांसेस होंगे एज कम्पेयर टू सेकंड वाली टीम। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 60% मुकाबले यहाँ पर जीतती है। सो गाइस इसके बाद अब बात करते हैं हम हेड टू हेड मुकाबलों की। लखनऊ की टीम नई टीम है, तो यहाँ पर हम लीग स्टेज की मैच की बात करेंगे। तो इस साल का जो लीग स्टेज मैच था लखनऊ बनाम बेंगलोर का, तो उन दोनों के बीच सिर्फ एक मुकाबला खेला गया था, और जहाँ पर बेंगलोर की टीम ने हराया था, मात दी थी लखनऊ की टीम को 18 रन से। और वो ये वही मैच है जहाँ पर जॉस हेजलवुड ने चटकाई थी 4 विकेटें 25 रन देकर। वहीं दोस्तों फैफ डू प्लेसी की आई थी 96 रन की कमाल की पारी। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं हम आगे की। तो अब दोनों ही टीमों को बात करते हैं कितना एक्सपीरियंस है दोनों ही टीमों को प्लेऑफ का। हालांकि लखनऊ को एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके प्लेयरों की बात हम करते हैं। तो जैसे आरसीबी 13 मुकाबले खेल चुकी है प्लेऑफ्स के, जिसमें कि दोस्तों उन 13 मुकाबलों से सिर्फ 5 में जीत हाथ लगी है आरसीबी के, बाकी बचे मुकाबलों में आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा है। और एक प्रमुख यही वजह है कि आरसीबी की टीम अब तक कप नहीं जीत पाई। 3 बार फाइनल में पहुंची आरसीबी की टीम और तीनों फाइनल हारी है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि आरसीबी के लिए कौन कौन से प्लेयर एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं प्लेऑफ में, और कौन से प्लेयरों को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है प्लेऑफ का। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने खेले हैं प्लेऑफ के 13 के 13 मुकाबले और बनाए हैं कुल 278 विद 250s। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं फैफ डू प्लेसी, जिनके रिकॉर्ड कमाल का है। इन्होंने खेले 12 मुकाबले, लगाई हैं 350, कुल रन बनाए हैं इन्होंने 348, मतलब कमाल की परफॉर्मेंस फैफ डू प्लेसी ने प्लेऑफ में किए। इसका मतलब प्लेऑफ का प्रेशर झेलना काफी अच्छे से जानते हैं, और जब होगा यह मुकाबला तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं फैफ डू प्लेसी। इसके बाद दोस्तों दिनेश कार्तिक की बात कर लेते हैं। दिनेश कार्तिक ने खेले हैं प्लेऑफ के 9 मैचेस, जिसमें उन्होंने 182 रन बनाए हैं। इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज और जॉस हेजलवुड ने 2-2 मुकाबले प्लेऑफ के खेले हैं और चटकाए हैं 4 विकेटें। वहीं हर्षल पटेल को एक मुकाबला एक्स्ट्रा भी मिला है, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने 3 मुकाबलों में चटकाई हैं 5 विकेटें। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलएसजी की। एलएसजी हालांकि नई टीम है, तो इनके पुराने रिकॉर्ड्स तो कुछ होंगे नहीं, लेकिन दोस्तों प्लेयर्स की बात तो बनती है। यहाँ पर इनके सबसे अनुभवी और सबसे विस्फोटक प्लेयर केएल राहुल हैं, जिन्होंने खेले हैं कुल 2 मुकाबले प्लेऑफ के, लेकिन इनके स्टैट बहुत बेकार रहे हैं। इन्होंने बनाए हैं कुल 11 रन 2 प्लेऑफ के मुकाबलों में, लेकिन जो इनके दूसरे नंबर पर हैं जेसन होल्डर, उन्होंने बैट के साथ बनाए हैं 41 रन और चटकाई हैं 6 विकेटें, और वो भी सिर्फ 3 मुकाबलों में। इसके बाद अब इसके नीचे आते हैं इन्हीं की टीम के एक और शानदार ऑलराउंडर कुणाल पांड्या, जिन्होंने बैटिंग से किया है धमाल और बॉलिंग से आप कह सकते हैं 50-50 इनका रहा है। बैटिंग की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने बनाए हैं 128 रन, छटकाई हैं 3 विकेटें और मैच खेले हैं कुल 7। वहीं दोस्तों इनके लिए बेस्ट जो एक्स फैक्टर साबित हो सकता है प्लेऑफ में, और मान के चलें एक्स जिसको सबसे ज़्यादा प्लेऑफ में खेलने का एक्सपीरियंस है, वो हैं मनीष पांडे, जिन्होंने बनाए हैं दोस्तों 294 रन विद एक कमाल का 94 का स्कोर, और वो भी सिर्फ 10 मैचों में। सो इनके रिकॉर्ड इन सभी खिलाड़ियों में बेहतर है। सो मैंने आपको बताए थे टॉप परफॉर्मर अपनी अपनी टीम के लिए, तो यहाँ पर मनीष पांडे का चांस बनना तय लग रहा है, और मिलना भी चाहिए क्योंकि प्लेयर के पास काबिलियत है लंबी पारी खेलने की, और पिच जहाँ पर फास्ट बॉलर और स्पिनरों को मदद करने वाली है, तो यहाँ पर इनका खेलना बनता है। एविल लुईस की जगह इनको खिलाया जा सकता है। वहीं दोस्तों बॉलर्स में दुष्मंता चमीरा को वापस लाया जा सकता है।
सो गाइस ये कुछ मेरे स्टैट्स थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब आप बताइए आप इस मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप आरसीबी को कर रहे हो सो गाइस यहां पर अपनी कमेंट जरूर बताइएगा, और अगर आप एलएसजी को भी कर रहे हो तब भी अपनी जो राय है, अपनी जो फेवरेट टीम है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करूं मैं अपनी प्रिडिक्शन की, तो मुझे दोस्तों यहां पर लगता है कि आरसीबी के पास यहां पर ज़्यादा पेडिग्री है और प्लेऑफ में खेलने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो शायद मेरे हिसाब से इस मुकाबले में आरसीबी बाजी मार सकती है। अब आप अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यही था आज की छोटी सी वीडियो में, अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।